नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसा भी स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसा फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग जल्दी निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा प्रॉफिट देखे गया। और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने के चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है, तो दोनों तरफ ही फंसते हैं। रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, कॉल कैसे बनता है, कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे नेक्स्ट डे के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं चार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ये देखिए, ये आपका सामने एक बाइंग का कॉल दिख रहा है जो ग्रीन कलर का एरो आपका सिग्नल है। जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में उसका डिटेल्स आ जाएगा जो कौन सा वेल में कॉल दिया है, टारगेट स्टॉप लॉस, ईच एंड एवरीथिंग। अब अगर मैं सोचता हूँ कि ये कॉल कितना जेन्युइन है, कॉल बहुत सारा बनता है, एंट्री लेने का पहले ट्रेडर को क्या क्या चीज देखना है। सबसे पहला जो चीज देखना है, नीचे का रिबन का कलर क्या है। अगर नीचे का रिबन ग्रीन है इसका मतलब है मार्केट में इस टाइम बायर ज्यादा है, बाय का कॉल का पहले हमें से ग्रीन स्टार बनेगा। और ये जो नीचे वाला इंडिकेटर है इसे हम लोग ब्रिज कहते हैं, इसका कलर को ग्रीन होना चाहिए और ये व्हाइट का ऊपर होना चाहिए। अगर ये तीन पैरामीटर मैच है तब जाके इस कॉल को हम लोग स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। सपोज ये कॉल कल को 2:15 पे बना था, कंडीशन के हिसाब से कॉल सही था बट हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। रीजन क्या है, ट्रेड करने का नियम है, जब भी आप ट्रेड करेंगे उसका पहले देखिएगा, आपको एक ब्लू कैंडल दिख रहा है और ये जो ब्लू कैंडल का हाई है इसका हाई का ऊपर जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होगा आपको ऑर्डर नहीं डालना है। तो अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल है एक बेयरिश कैंडल है, जितना भी आपको ब्लैक टाइप का कैंडल दिख रहा है ऑल बुलिश और जितना भी फिलअप दिख रहा है वो बेयरिश। तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग है नीचे हुआ है, ब्लू कैंडल का ऊपर नहीं गया। अगर आप देखेंगे इतना दूर तक कोई भी कैंडल का क्लोजिंग ब्लू कैंडल का हाई का ऊपर नहीं गया था। इस कैंडल को आप देख सकते हैं 3 बजे का कैंडल का जिसका क्लोजिंग ब्लू कैंडल का हाई का ऊपर गया, तो लॉजिकली यहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं बट 3 बजे के बाद या 2:45 का बाद मार्केट में नहीं रहना ही बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से कॉल तो बन गया था बट उसका कंफर्मेशन उस दिन नहीं मिला और हम लोग ट्रेड नहीं किए। देखिए आज को क्या हुआ, दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ टुडे। अब क्या होता है, कभी कभार कॉल ऑलरेडी अगले दिन से चल रहा है तो आज को दोबारा बाय का कॉल नहीं देता, तो बाय का कॉल कैरी फॉरवर्ड तभी होगा। सबसे पहले कंडीशन को देख लेना है, नीचे का रिबन ग्रीन है, स्टार अभी भी है, ब्रिक्स ग्रीन है, व्हाइट का ऊपर मूवमेंट कर रहा है, बट आप इस बाय का कॉल में तभी ट्रेड ले सकते हैं जब ये फर्स्ट कैंडल का हाई को तोड़ेगा। फर्स्ट कैंडल का हाई अगर नहीं तोड़ता है तो आप यहां पर ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो देखिए यहां पर 3-4 कैंडल मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया था, तो इस टाइम आपको क्या करना है, वेट करना है या फिर फ्रेश सेल का कॉल के लिए वेट करना है। और बाय अगर होगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट कैंडल का हाई का ऊपर मार्केट जाएगा तभी आप बाय करेंगे। जैसा उस हिसाब से देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने 9:35 का जो कैंडल है यहां पर ही फर्स्ट कैंडल का हाई को तोड़ रहा है, बाकी कंडीशन आपका फेवर में है तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्चुअली बाय करना कब है, 9:15 मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ेगा, अगले दिन का बाय का कॉल चल रहा है, सारा कंडीशन फेवर में है तो मैं यहां पर बाय किया और उसका बाद देखूंगा ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं। एंट्री लेने के बाद ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है, आपका हमेशा ध्यान रहेगा जो रेजिस्टेंस कितना ऊपर है, रेजिस्टेंस को देखते हुए आप अपना टारगेट को सेट कर सकते हैं। और एग्जिट के लिए हमेशा ब्रिक्स को फॉलो करना है। देखिए रेजिस्टेंस का हिसाब से मुझे मेरा टारगेट मिल गया और मैं अच्छा खासा बेनिफिट यहां पर बना लिया, बट नीचे का ब्रिक्स अभी भी ग्रीन में है। ग्रीन में है इसका मतलब है अभी भी मार्केट में कोई नेगेटिविटी आया नहीं है। अब जैसे देखिए यहां पर ब्रिक्स का कलर ब्लू एंड रेड होना शुरू कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जिट अगर आप प्रोमिनेंट बनाएंगे तभी जाके आपका प्रॉफिट डबल होगा। तो यहां पर देखिए हम लोग रेजिस्टेंस को साथ निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक रेंज है, अदरवाइज इसके बाद भी वेट करेंगे ब्रिक्स के लिए। ब्रिक्स का कलर जैसे आपको दिखाई देगा चेंज हो रहा है ब्लू एंड रेड में, आप अपना पोजिशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। अदरवाइज मैक्स टू मैक्स अगर आप वेट करना चाहते हैं तो इतना दूर तक कर सकते हैं जब तक ये जो ब्रिक्स है ये व्हाइट को तोड़ के नीचे नहीं आ जाता है, और ये जो दोनों लाइन का क्रॉसओवर है ये भी आपको एग्जिट करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो देखिए हम लोग का एंट्री भी परफेक्ट है और एग्जिट भी परफेक्ट है, तो अगर एंट्री एंड एग्जिट परफेक्ट हो गया तो आपको टारगेट के बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है एंड स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करते हुए आगे बढ़िए। तो यहां पर मैं निकल गया हूं, नीचे का ब्रिक्स इंडिकेटर अगर व्हाइट के नीचे आ गया है तो समझ जाना है जो मार्केट गिरने वाला है। फाइनली देखिए ये सेल का कॉल बना, नया कॉल है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स भी डिटेल्स में आ जाएगा। अब यहां पर भी वही सेम कंडीशन देखना है, ये एक फ्रेश कॉल है, नीचे का रिबन का कलर रेड है, ब्रिक्स आपका फेवर में बट स्टार बनानी है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे स्टार बनता है उसका बाद ही आपको ट्रेड पकड़ना है।
तो देखिए यहाँ पर स्टार बना, उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री लिए हैं, और एंट्री लेने के बाद यहाँ पर भी वही सेम चीज आपको देखना है, ब्रिक्स वाला इंडिकेटर। जैसे यहाँ पर एक बाइंग का कॉल बन गया मिडिल में। अब क्वेश्चन ये है, जो सेलिंग करने के बाद अगर कभी भी मेरा पोजिशन फंसता है तो देखना है जो क्या बाय का कॉल सही है। नीचे करीबन अभी भी रेड है, स्टार अभी भी रेड का ही चल रहा है, और ब्रिक्स वाला इंडिकेटर वाली वो ग्रीन हुआ है, बट ये है व्हाइट का नीचे। तो व्हाइट का नीचे है मतलब ये कॉल कंफर्म नहीं है। अल्टीमेट मार्केट देखिए सेलिंग का कॉल दे दिया और मार्केट दोबारा गिरना शुरू कर दिया। तो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जो सिग्नल, स्टार और ब्रिक्स, ये तीन पैरामीटर को अगर आप एक साथ मैच करते हैं तब जाके आपको एंट्री मिलेगा, अदरवाइज नॉट। अभी अभी जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ब्रिक्स का कलर धीरे धीरे ग्रीन होते होते ये व्हाइट लाइन को तोड़ रहा है, और ये दोनों लाइन क्रॉसओवर होकर ये ऊपर जा रहा है, मतलब यहां पर आप अपना पोजिशन स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो अभी मैं लाइव मार्केट में आ चुका हूँ, ऊपर में रियल टाइम वैल्यू आपको अपडेट होते हुए दिखाई दे रहा है, 45,121.85। तो जैसा आपका टर्मिनल में चल रहा है वह यहाँ पर भी वैसे सेम टच चलेगा। सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है प्रेडिक्शन देना, अगर आप सही प्रेडिक्शन कर पाएंगे तो आप कहीं पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आ दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएस ब्लू के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटी भी दे रहा है, इसीलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन लेने के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का लर्निंग वीडियो आपको कंटिन्यूअस मिलता रहे। थैंक यू।